हेलो एंड वेलकम टू दीपमाला एंटरटेनमेंट। वेल फ्रेंड्स, क्या शहनाज गिल शिफ्ट हो गई हैं? क्या शहनाज गिल अपसेट हैं, उदास हैं, परेशान हैं? तो इन सब बातों का जवाब है हमारे इस वीडियो में। और ये वीडियो बनाने की क्या ज़रूरत पड़ी, साथ में पहले मैं वो भी एक्सप्लेन कर देना चाहती हूँ, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे DMs, बहुत सारे कमेंट्स, मैसेजेस रिसीव हो रहे थे, शहनाज कैसी हैं, 3 दिन से दिखाई नहीं दे रही हैं, क्या वो शिफ्ट कर गई हैं, क्या वो परेशान हैं, क्या वो उदास हैं, अपसेट हैं, ये सभी चीज़ें। इन सब चीज़ों को लेकर ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि आप लोग शहनाज की आज बहुत ज़्यादा फिक्र कर रहे हैं। वजह ये भी हो सकती है कि जिस तरह के थ्रेटनिंग चीज़ें चल रही हैं, थ्रेटनिंग चीज़ें आपको इंस्टा पर, सोशल मीडिया पर दिखाई दे रही हैं, लेकिन आपको बता दें शहनाज गिल बिल्कुल सुरक्षित हैं, बिल्कुल ठीक हैं, सिद्धार्थ शुक्ला के साथ हैं और बिल्कुल खुश हैं, जहां पहले थी वहीं हैं। परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, शहनाज गिल बिल्कुल भी अपसेट नहीं है, हैप्पी है, सब कुछ ठीक है। उनका शो आने वाला है, परसों ही आप उनका शो देखेंगे, बस एक दिन और बीच में बचा है, 2 दिन बाद उनका शो आएगा। और वो रिसेंटली अभी अपना नए प्रोजेक्ट की तैयारियों में बिज़ी हैं, जल्द ही वो अपने एक और नए MV की शूट जो है स्टार्ट करने वाली हैं, तो वो सब चीज़ें हैं। और सिद्धार्थ इतने समय बाद घर से बाहर आए हैं, तो दोनों क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं, और इसके अलावा और कोई भी वजह नहीं है। शहनाज गिल ओवरऑल आपको बताएं तो एकदम हैप्पी, एकदम खुश, और दोनों बिल्कुल अच्छे से हैं, कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। और जहां तक रही आप लोग थ्रेटनिंग्स के लिए भी बहुत परेशान हैं, और आपने कहा वीडियो बनाइए, तो मुझे ऐसे लगता है अलग से तो क्या वीडियो बनाना चाहिए इन टॉपिक्स पर, लेकिन यही है कि जो करते हैं वो बोलते नहीं, और जो बोलते हैं वो करते नहीं। तो ये बोलने वाले लोग हैं, ये हमेशा कैमरा के पीछे रहते हैं, और इन्हें पता है कि इनका चेहरा दुनिया के सामने नहीं आता, तो ये किसी को कुछ भी बोल सकते हैं, और ऐसे लोग कभी कुछ नहीं करते हैं। और शहनाज पूरे प्रोटेक्शन में है, सुरक्षित है, सिद्धार्थ की फैमिली के साथ, सिद्धार्थ के साथ, मुंबई में उनका अपना परिवार है, टेंशन लेने वाली बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये वीडियो हो सकता है कुछ लोगों को थोड़ा ऑड लगे, लेकिन फैंस के लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि फैंस आज शहनाज को लेकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। तो अब तो आप हैप्पी हैं, कॉमेंट करके बताइए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी आप शहनाज से जुड़ी खबरों को सबसे पहले देख पाएँ। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।